हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स कैंपेन क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स कैंपेन क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमनाथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने तरह के कैंपेन होते हैं। पहला है सर्च कैंपेन, नंबर दो पे है डिस्प्ले कैंपेन्स, नंबर तीन वीडियो कैंपेन्स, नंबर चार शॉपिंग कैंपेन्स, पांच पे ऐप कैंपेन्स, छठे पे लोकल कैंपेन्स, सातवें में स्मार्ट कैंपेन्स। तो दोस्तों इसे डीपली समझने के लिए आइए चलिए चलते हैं क्रोम पे और समझते हैं वीडियो। दोस्तों मैंने ये पोस्ट में मैंने देखा कि जो सर्च कैंपेन है, सर्च कैंपेन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्च कैंपेन्स टेक्स्ट एड्स ऑन सर्च रिजल्ट्स। यानी कि जब हम सर्च कैंपेन बनाते हैं तो उसका मतलब होता है सर्च कैंपेन्स लेट्स यू रीच पीपल व्हाइल दे आर सर्चिंग ऑन गूगल फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस यू ऑफर। यानी कि जब हम गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और यहाँ पे ये जो एड आए ये सर्च कैंपेन के पार्ट है। एड इस तरीके के एड को हम सर्च कैंपेन कहते हैं। यानी कि जब हम सर्च कैंपेन में कोई एड बनाते हैं तो वो इस तरीके से शो होते हैं। नंबर दूसरे बात है डिस्प्ले कैंपेन, इमेज एड्स ऑन वेबसाइट, इसको इमेज एड्स ऑन वेबसाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं एंड रेफरेंस करता हूँ तो आप देख सकते हो इस वाली वेबसाइट पे आपको एड दिखेंगे। ये जो एड है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाला एड, ये जो है एड्स बाय गूगल, ये डिस्प्ले कैंपेन का ही पार्ट है। यानी कि डिस्प्ले कैंपेन में आपने एड बनाया तो आपका एड जो है वो इस तरीके से शो होगा दूसरों की वेबसाइट पर। नंबर तीसरे पर आता है वीडियो कैंपेन, वीडियो कैंपेन इसको वीडियो एड्स ऑन यूट्यूब भी कह सकते हो क्योंकि यूट्यूब पे आपने देखा होगा अक्सर जब आप वीडियो देखते हैं तो स्टार्टिंग में एड्स आते हैं, बीच में एड्स आते हैं, लास्ट में एड्स आते हैं, वीडियो एड्स आते हैं, तो इस तरीके के एड्स को हम यूट्यूब एड्स भी बोलते हैं। तो ये एड जो है वो वीडियो कैंपेन के अंदर रन बनाए जाते हैं। नंबर चार पे आता है शॉपिंग कैंपेन, इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन गूगल भी कह सकते हैं। यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को गूगल के पे लिस्ट करके गूगल एड्स के माध्यम से हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया ऑनलाइन बुक स्टोर, ऑनलाइन बुक स्टोर करने पे यहाँ पे एड दिख रहे हैं आपको, एड और यहाँ भी आपको एड दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो एड है ये तो सर्च इंजन सर्च एड्स का पास्ट है, पार्ट है, लेकिन ये वाला जो एड है वो शॉपिंग एड का पार्ट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर आपको नहीं आया है तो आप वीडियो में नीचे बोल सकते हो कमेंट के माध्यम से। नंबर पांच पे आता है ऐप कैंपेन, ऐप कैंपेन हम तब बनाते हैं जब हमको ऐप को प्रमोट करना होता है, ऐप को एंगेज करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता देता हूँ, अगर आपने ऐप कैंपेन रन किया है तो आपको जो दो ऑप्शन हैं वो और दिख जाएंगे, ऐप इंस्टॉल्स, नंबर दो ऐप एंगेजमेंट, लेकिन ये ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी आपने ऐप कैंपेन को रन नहीं किया है। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने ऐप कैंपेन्स को रन किया है तो आपको ऐप इंस्टॉल्स और ऐप एंगेजमेंट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ लिखा है इफ यू आर एलिजिबल यू मे सी टू ऐप कैंपेन्स सब टाइप्स, लेकिन ये आपको अभी नहीं मिलेगा। तो ऐप कैंपेन का मकसद ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐप है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ऐप कैंपेन में रन कर सकते हो। नंबर छठे पे आता है लोकल कैंपेन, लोकल कैंपेन क्या है, लोकल कैंपेन हेल्प यू ब्रिंग पीपल टू योर फिजिकल स्टोर और वेन्यू। जैसे मान लीजिए आपके पास गूगल माय बिजनेस है, गूगल माय बिजनेस को आप एड के माध्यम से रन कराना चाहते हो तो आप लोकल कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, वहां पे आप एड रन कर सकते हो। योर एड विल बी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड टू अपीयर अक्रॉस सर्च डिस्प्ले, गूगल मैप्स एंड यूट्यूब, यानी कि इन चारों जगह पे हमारे एड्स दिखने लगेंगे। नंबर सात पे आता है स्मार्ट कैंपेन, दोस्तों स्मार्ट कैंपेन एक बहुत ही बढ़िया और एक आपके पास अगर टाइम की कमी है तो आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जैसे यहाँ पे लिखा है स्मार्ट कैंपेन आर द इजिएस्ट वे टू गेट योर एड्स अप एंड रनिंग, एंटर योर बिजनेस, क्रिएट न्यू फ्यू एड्स एंड गूगल फाइंड्स द बेस्ट टारगेटिंग, गेट यू द मोस्ट फॉर योर टाइम एंड मनी। यानी कि आपके टाइम और आपके पैसों को बचाने के लिए गूगल उन एड में से जो कि आपने एड बनाए थे उन एड में से सबसे बढ़िया एड को चुनेगा और गूगल उनके लिए बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको कैंपेन बताया, जैसे नंबर एक पे मैंने आपको बताया सर्च कैंपेन, नंबर दो पे मैंने आपको बताया डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, ऐप कैंपेन्स, लोकल कैंपेन्स, स्मार्ट कैंपेन्स। तो दोस्तों ये बड़े सिंपल है और इनको मैं आने वाले वीडियो में इनको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ।
दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।